Yogi ji, we all respect you. Please, if you feel, we shall certainly look into it. अच्छा मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? यू आर अ वेरी ऑनरेबल मेंबर ऑफ द हाउस। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी माँ की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया, जब मेरी आंख बने एक बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन में दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूँ सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे, मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूँ, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर, आप सिक्योरिटी दे रहे हैं आप नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर, ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी।